हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 30 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका ये जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला जो आपका वीडियो सीरीज चलते आ रहा है, तो इस वीडियो का अब जो अगला पार्ट है वो सीधा आएगा आपके जनवरी में, नेक्स्ट ईयर जनवरी 2021 में अब आपके करंट अफेयर का अगला वीडियो अपलोड होगा। कुछ कारण है जिसके कारण मैं पूरे दिसंबर मंथ में बिजी रहूंगा और मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा आपके केवल दिसंबर मंथ का, ठीक है। तो दिसंबर मंथ का जो जितने भी वीडियो रहेंगे उसको मैं जनवरी में आप लोगों को कवर करा दूंगा, यानी कि बीच में जो है करंट अफेयर के अभी कोई भी वीडियो नहीं आएंगे। बाकी दिसंबर मंथ में आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो आपके दिसंबर मंथ में पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका करंट अफेयर का जो अगला पार्ट है वो सीधा आएगा अब आपके जनवरी में, ठीक। देखिए, समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सबसे पहले नंबर पर है आपके राजिम पुन्नी मेला, ठीक है। राजिम पुन्नी मेला, ये जो आपका राजिम का जो पुन्नी मेला है, इसका आयोजन किया जाता है माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक। माघ पूर्णिमा जो आपके पूर्णिमा है उसे ही छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाता है आपका पुन्नी, ठीक है। पुन्नी इसलिए इसे कहा जाता है आपका राजिम पुन्नी मेला। ये जो आपका मेला है माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक चलता है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ये जो आपका राजिम पुन्नी मेला जो है इसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि जिस स्थान पर आपके राजिम पुन्नी मेले का आयोजन होता था उसका लोकेशन अब चेंज किया जा रहा है। देखिए, जो आपका राजिम पुन्नी मेला है ये आपका प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम पर जो है आपके ये राजिम पुन्नी मेला आपका आयोजित होता था। त्रिवेणी संगम यानी कि महानदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी, इन तीन नदियों के संगम पर जहां पर ये तीन नदियां आपस में मिलते हैं उस स्थान पर आपके राजिम पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन अब जो है इसके लिए एक नया प्रस्तावित स्थल का जो है चयन किया गया है, जो कि अब पैरी नदी के किनारे यानी कि पैरी नदी के तट पर चौबे बांधा मार्ग पर 54 एकड़ की भूमि जो है इस राजिम पुन्नी मेले के लिए अलॉट की जा रही है। पहले त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जा रहा था, अब जो है इसके लिए नया स्थान का चयन किया गया है। ये जो आपका स्थान है ये पैरी नदी के किनारे पर है। पहले त्रिवेणी संगम पर था, अब इसका आयोजन पैरी नदी के किनारे पर होगा। 54 एकड़ की भूमि इसके लिए अलॉट की गई है, ठीक है। कब से कब तक आयोजन होता है इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ये अभी हाल फिलहाल में बने हैं आपके अमिताभ जैन। अमिताभ जैन को अभी छत्तीसगढ़ का आपका मुख्य सचिव बनाया गया है। ये हमारे प्रदेश के 12वें मुख्य सचिव होंगे, प्रदेश के 12वें मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी होंगे। देखिए, हमारे प्रदेश के जो आपके पहले मुख्य सचिव थे वो थे आपके अरुण कुमार दुबे। अरुण कुमार दुबे हमारे प्रदेश के आपके पहले मुख्य सचिव थे, जबकि वर्तमान में 12वें नंबर के मुख्य सचिव है आपके अमिताभ जैन। इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रदेश के यह तीसरे छत्तीसगढ़िया मुख्य सचिव है, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित हमारे प्रदेश के अंचल पे जो है इनकी परवरिश हुई है, तो यह हमारे प्रदेश के तीसरे आपके छत्तीसगढ़िया मुख्य सचिव है। इनसे पहले जो है आपके पहले छत्तीसगढ़िया मुख्य सचिव थे आपके विवेक ढांड, दूसरे नंबर पर थे अजय सिंह और तीसरे नंबर पर अभी बन रहे हैं आपके अमिताभ जैन, ठीक है। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ के तीसरे छत्तीसगढ़िया मुख्य सचिव, जबकि 12वें नंबर पे क्रम के अनुसार 12वें नंबर पे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी, ये जो आपका मुख्य सचिव का जो पद होता है ये प्रदेश का यानी कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि राज्य में जो है आपका सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी कौन है, तो ध्यान दीजिएगा मुख्य सचिव जो है ये आपका सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी है। इसके अलावा राज्य सचिवालय का प्रमुख पदाधिकारी होता है, यानी कि हमारे प्रदेश में जो है आपका एक आपका सचिवालय है, एक निर्देशालय है। हमारे सचिवालय का नाम है आपका महानदी, तो ये जो आपका सचिवालय है, तो ये जो आपके सचिवालय है, सचिवालय का आपका प्रमुख पदाधिकारी है आपका मुख्य सचिव। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके मंत्रिमंडल के पास जाने वाले जो भी आपके दस्तावेज है वो आपके मुख्य सचिव से होते हुए जाते हैं, यानी कि सबसे पहले मुख्य सचिव के पास जाता है, उसके बाद आपके मंत्रिमंडल के पास जाते हैं। तो ये है आपके मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है धान खरीदी विपणन वर्ष 2020-21। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में धान खरीदी जो है आपके प्रारंभ हो चुकी है विपणन वर्ष 2020-21 के लिए। जितने भी डाटा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रदेश में धान की खरीदी की जा रही है आपके 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक, ठीक है।
1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक हमारे प्रदेश में धान की खरीदी की जाएगी। इस वर्ष जो है यानी कि इस विपणन वर्ष 2020-21 में हमारे प्रदेश में धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपका 1,00,000 मैट्रिक टन, यानी कि इस साल जो है प्रदेश सरकार किसानों से लगभग 19,00,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित की है। पंजीकृत किसान इस साल जो है धान खरीदी के लिए जो है आपके किसानों को पंजीकृत किया जाता है, उन्हें जो है टोकन वितरण किया जाता है, तो इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या है 21,29,764, ठीक है 21,29,764 इस साल जो है पंजीकृत किसान है। तथा किसानों से धान खरीदी करने के लिए धान खरीदी केंद्रों की भी स्थापना की गई है। इस वर्ष जो आपके इस विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए 2305 आपके धान खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार की जो आपकी समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 में जो है आपके सामान्य धान के लिए निर्धारित किया गया है 1,868 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए के लिए निर्धारित किया गया है 1,888 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि पिछले साल जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य था उससे 53 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार, यहां बात किसकी हुई है, केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है सामान्य धान के लिए है आपका 1,868 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए के लिए है 1,888 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि पिछले साल जो आपका निर्धारित मूल्य था, पिछले साल जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य था उससे 53 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। यह केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जबकि हमारी प्रदेश सरकार कह रही है कि हम किसानों से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा डाटा आप याद रखिएगा, इसके साथ साथ एक और डाटा ऐड कीजिएगा कि हमारे प्रदेश में जो है मक्का खरीदी, मक्का की खरीदी जो है वो की जाएगी 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 मई 2021 तक, ठीक है 31 मई 2021 तक हमारे प्रदेश में मक्का की खरीदी की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषि का दर्जा। अभी हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार के द्वारा यानी कि हमारे राज्य की जो कैबिनेट है उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि लाख की खेती और मत्स्य पालन दोनों को जो है आपके कृषि का दर्जा दिया जाएगा। लाख की खेती यानी कि जो आपके बबूल हो गए, बबूल ऐसे कुछ आपके वृक्ष है, जो आपके कुछ ऐसे पेड़ है जिनके आपके शाखाओं पर एक चिपचिपा पदार्थ आपका मिलता है जिसे आपका लाख कहा जाता है, तो लाख और इसके साथ साथ जो आपके मत्स्य पालन है दोनों को जो है प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए इन दोनों को कृषि का दर्जा दिए जाने का कारण क्या है, इससे लाभ क्या मिलेगा, इससे जो है जो लाख की खेती करने वाले जो किसान है और जो आपको मछली पालन करने वाले जो मछुआरे हैं उन्हें अल्पकालीन ऋण और ब्याज अनुदान के लिए ये जो है आपके पात्र होंगे। जैसे कि किसानों को जो है जो भी आपके कृषक है यानी कि जो आपका किसान कहलाते हैं, जो कृषि कार्य में संलग्न है, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण ये सभी के सभी उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें कुछ आपके ब्याज में रियायतें यानी कि ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। तो हमारे प्रदेश में जो है लाख की खेती सर्वाधिक है। इसके साथ साथ हमारा जो प्रदेश है ये मत्स्य बीज उत्पादन के भी क्षेत्र में है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो देश में आपके 6वें स्थान पर है। तो अब जब जो है इन दोनों को अगर कृषि का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये भी जो है अन्य किसानों की तरह अल्पकालीन ऋण और ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे, ठीक है, इसलिए इसे कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय लघु वनोपज, आप लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र, लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट ये स्थापित किया जा रहा है आपका जामगांव एम पाटन ब्लॉक दुर्ग, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के जामगांव एम में आपका केंद्रीय लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण यानी होता है आपका प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रसंस्करण केंद्र आपका स्थापित किया जा रहा है, यानी कि लघु वन उपज को प्रोसेस करके उसको उपयोग यानी कि खाद्य सामग्री बनाना या औषधि दवाइयां बनाना, जड़ी बूटी बनाना, ये सभी कार्य किए जाएंगे। हमारे प्रदेश के अन्य कई स्थानों पर ऑलरेडी आपके प्रसंस्करण केंद्र मौजूद है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका केंद्रीय लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र है। यहां पर आपके कोई एक लघु वनोपज से रिलेटेड नहीं, बहुत सारे आपके लघु वनोपज से संबंधित यहां पे प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां पर जो है आपके औषधि दवाइयां, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस इत्यादि से संबंधित जो है आपका प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो केंद्रीय लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र किस आपके किस स्थान पर प्रस्तावित है पूछा जाए तो जामगांव एम, गांव का नाम है जामगांव एम पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला। नेक्स्ट है आपका रोबकोप की गुफा, ठीक है, रोबकोप की गुफा ये मौजूद है आपके रायगढ़ जिले, रोबकोप की गुफा जो कि आपके रायगढ़ जिले में मौजूद है। रायगढ़ जिले में ऑलरेडी आपकी बहुत सारी गुफाएं हैं जैसे कि सिंगनपुर, कबरा पहाड़, ओंगना, बसनाझर, ये सारी आपकी गुफाएं मौजूद है। ये सभी की सभी गुफाएं जो है आपके आदिम युगीन गुफाएं हैं। एक और गुफा को आपको याद रखना है, रोबकोप की गुफा।
रूपकुप की गुफा, ये भी आपके आदिम युगीन प्रागैतिहासिक कालीन यहां पर आपकी शैल चित्र मौजूद है। इस रूपकुप की गुफा में आपके प्रागैतिहासिक कालीन यानी कि आदिम युगीन यहां पर शैल चित्र मौजूद है। इस गुफा की खोज वर्ष 2006 में हुई थी, लेकिन हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इस गुफा का किसी प्रकार से संरक्षण नहीं किया जा रहा, इसलिए यह गुफा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आया है। ये जो गुफा है, ये गुफा एक सीढ़ीनुमा गुफा है, यानी कि इस गुफा में प्रवेश करेंगे आप तो यहां पर जो है आपकी सीढ़ियां बनी हुई है, तो ये एक सीढ़ीनुमा गुफा है और ये गुफा की लंबाई इतनी है कि इसमें एक बार में जो है 500 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। तो ये है आपके रूपकुप की गुफा जो कि प्रागैतिहासिक कालीन यहां पर शैल चित्र मौजूद है। नेक्स्ट है आपका दाई दीदी मोबाइल यूनिट, ठीक है, दाई दीदी मोबाइल यूनिट या दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, देखिए ये है क्या। इसकी शुरुआत हुई आपके 19 नवंबर 2020 से जो हमारे प्रदेश जो हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके जन्म जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई। ये हमारे देश का पहला महिला स्पेशल क्लिनिक होगा, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक जो कि महिला मरीजों के लिए, जो महिला मरीजों का निःशुल्क इलाज करेगा। और साथ ही साथ ये जो आपका मोबाइल क्लिनिक है यानी कि जो आपका मेडिकल क्लिनिक जो बनाया गया है, इसमें सभी के सभी स्टाफ जो है ये सभी के सभी आपकी महिलाएं यानी कि औरतें होगी, डॉक्टर महिलाएं होंगी, नर्स महिलाएं होंगे, जो आपके जो लैब स्टाफ है, जो लैब टेक्नीशियन है वो भी महिलाएं होंगी, और जो इलाज कराने पहुंचेगी वो भी आपकी महिलाएं एवं किशोरी होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक। मोबाइल क्लिनिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक प्रकार का एम्बुलेंस, एक प्रकार का बस, उसे किसी आपके भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा और उस स्थान पर जिस भी महिला को अपना इलाज करवाना है वो इस मोबाइल यूनिट यानी कि जो आपके जो वैन है उसे मोबाइल यूनिट कहा जाता है, ठीक है, मेडिकल में मोबाइल यूनिट कहा जाता है, तो यहां पर जाकर के वो अपना स्वास्थ्य का जो है जांच करवा सकती है। ठीक, ये जो आपका दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक है ये आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। पिछले साल हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र में जो है एक स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। ये जो आपके स्वास्थ्य योजना था इसका नाम था मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना, इसी के अंतर्गत ये जो है आपका दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है शहरी क्षेत्रों के लिए। अभी वर्तमान में जो है आपके तीन नगर निगम में जो है आपके दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक का संचालन किया जाएगा, वो है आपके रायपुर, भिलाई और आपके बिलासपुर में, तीन नगर निगम में इसका संचालन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुस्तक, पुस्तक का नाम है आपका बैरिकेड। इस पुस्तक के लेखक है हमारे भोपालपट्टनम, जो बीजापुर है, बीजापुर के भोपालपट्टनम में जो है आपके कार्यरत है एसडीओपी यानी कि एक पुलिस अधिकारी है जिनका नाम है आपका अभिषेक सिंह। उन्होंने यह इस पुस्तक को लिखा है जो कि युवाओं को नायक बनने की एक कथा है, ठीक है, युवाओं के जो है नायक बनने की एक कथा है। इसकी जो मेन जो आपका विषय वस्तु है वो आपके युवाओं पर केंद्रित है, किस प्रकार से जो ये इस जो आपका पुस्तक है, इस पुस्तक में आपका प्रेम है, हिंसा है, संघर्ष है, युवाओं का जो है सिविल सर्विसेज की जो है तैयारी के लिए जो है उनकी प्रेरणा, ये सारे चीजों का एक समावेश है इस पुस्तक में जिसका नाम है आपका बैरिकेड, जिसके लेखक है आपका अभिषेक सिंह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुपा दास, जिन्होंने इस वर्ष केबीसी का जो आपका 12वां सीजन था उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती। अनुपा दास जो कि जगदलपुर, बस्तर जिले के जगदलपुर की एक विज्ञान की शिक्षिका है, ठीक है, इन्होंने जो है इस वर्ष यानी कि केबीसी के 12वें सीजन में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती। इनसे जो है 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था, उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए, करंट अफेयर का तो विषय नहीं है लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा। इनसे प्रश्न पूछा गया था कि 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांगला में बहादुरी के लिए किन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो उसका आंसर इन्होंने दिया था आपके मेजर शैतान सिंह। इन्होंने केबीसी के 12वें सीजन यानी कि इस साल जो है 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है, और 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीतने वाली केबीसी के 12वें सीजन की तीसरी महिला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मां अंगार मोती मंडई मेला जिसका आयोजन हर साल होता है आपके धमतरी जिले में भाई दूज के दूसरे दिन, ठीक है, जो आपका कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में आपका दीपावली रहता है, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा, उसके अगले दिन भाई दूज, तो भाई दूज के दूसरे दिन जो है आपका हर साल मां अंगार मोती मंडई मेले का आयोजन किया जाता है। काफी बड़ा ये मंडई मेला होता है जिसमें 22 गांवों के देवी देवता विग्रह इस मंडई मेला में शामिल होते हैं। 22
गांव के लोग, 22 गांव के देवी देवता, उस देवी देवताओं के साथ बैगा जो है इस आपके मंडाई मेला में सब शामिल होते हैं। इस मंडाई मेला के अवसर पर जो आपकी महिलाएं हैं पुत्र रत्न यानी कि आपके संतान की कामना के लिए पेट के बल सड़क पर लेट जाती है, और जो भी आपके 52 गांव के जो देवी देवता को लेकर के जो बैगा आते हैं वो इन महिलाओं के ऊपर से होकर के आगे बढ़ते हैं और माँ अंगार मोती के दरबार में पहुंचते हैं। काफी बड़े मेले का आयोजन होता है, याद रखिएगा कि माँ अंगार मोती मंडाई मेले का आयोजन धमतरी जिले में होता है और भाई दूज के दूसरे दिन इस मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन। देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन ये आपका बूढ़ा तालाब रायपुर में इसकी शुरुआत की गई है। हमारे जो आपके रायपुर नगर निगम के जो आपके महापौर है जिनका नाम है आपका एजाज ढेबर, उन्होंने यह दावा किया है कि 350 मीटर लंबा यह देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन होगा और यह 5 करोड़ की लागत से बना है। इससे पहले जो आपके एजाज ढेबर जी है उनका कहना है कि इससे पहले जो है विशाखापट्टनम में 250 मीटर जो है 250 मीटर लंबा आपका म्यूजिकल फाउंटेन था, और जो हमारा जो म्यूजिकल फाउंटेन बना है वो है आपके 350 मीटर। तो 350 मीटर लंबा यह देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है, ये केवल दावा किया गया है रायपुर के महापौर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पक्षी विचरण केंद्र। पक्षी विचरण केंद्र विकसित किया जा रहा है आपके बेलोदी ग्राम दुर्ग, दुर्ग जिले के बेलोदी ग्राम में आपका पक्षी विचरण केंद्र इस आपका विकसित किया जा रहा है। इस आपके बेलोदी ग्राम में हर वर्ष प्रवासी पक्षी ठंड के मौसम में आपके कैस्पियन सागर तिब्बत और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, तो इस कारण से जो आपका जो बेलोदी ग्राम दुर्ग जिले का जो बेलोदी ग्राम है इसे पक्षी विचरण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी यानी कि फेशियल, ललित कला का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो आपका नाटक का जो मंचन किया जा रहा है, जो एक्टिंग सिखाई जाती है, जो अभिनय सिखाई जाती है उससे संबंधित यह आपका एकेडमी है, ललित कला एकेडमी। इसके अध्यक्ष है आपके डॉक्टर उत्तम पाचरणे, ठीक है, पाचारणे। हाल फिलहाल में अभी इसके उपाध्यक्ष बने हैं आपके डॉक्टर नंद कुमार ठाकुर, ठीक है, इन दोनों का आपको नाम याद रखना है नेशनल करंट अफेयर के हिसाब से। प्रश्न पूछ सकता है कि ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर उत्तम पाचारणे, ठीक, हाल फिलहाल में इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं आपके डॉक्टर नंद कुमार ठाकुर, ये तो आपके नेशनल करंट अफेयर। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ से जो है आपके इस ललित कला एकेडमी के सदस्य चुने गए हैं उनका नाम है अंकुश कुमार देवांगन, ठीक है, पूरे देश भर से जो है अलग अलग राज्यों से इसके सदस्य चुने जाते हैं, छत्तीसगढ़ से सदस्य चुने गए हैं आपके अंकुश कुमार देवांगन ललित कला एकेडमी के। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, जो आपके हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके जन्म जयंती के अवसर पर इस इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया, जो कि मौजूद है आपके मोहरेंगा रायपुर में, रायपुर जिले के मोहरेंगा में 555.85 हेक्टेयर एरिया पर, अगर एकड़ वाइज बात करें तो 1450 एकड़ पर जो है आपका यह नेचर सफारी बनाया गया है। ये नेचर सफारी वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें जो है आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बेड़े बनाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है एक वॉचिंग टावर बनाया गया है, यानी कि इसमें जो है ये जो आपका नेचर सफारी बनाया गया है इसमें वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण को भी ध्यान रखा गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी किस जिले में है, तो आपके रायपुर जिले में। स्थान पूछेगा तो मोहरेंगा, ठीक है, तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। तो आज के लिए इतना ही, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।